नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस ने चीन की छवि को एक पलीता लगा दिया है। जी हाँ, एक दाग लगा दिया चीन की छवि को, और इसका फायदा भारत को मिलना शुरू हो चुका है। जी हाँ, यूके और फ्रांस ने तो कुछ ऐसा ही कहा है, जो ऐसा लगता है कि अब जो दुनिया का रुख था चीन की तरफ, वो धीरे धीरे मुड़ना शुरू हो गया है भारत की तरफ। भारत को एक विकल्प के तौर पर देख रही है दुनिया। ये वीडियो आप देखते रहिए, आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं कुछ ऐसी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसे जानकर आपका दिल खुशम खुश हो जाएगा। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके की। दरअसल यूके क्या था कि उन्होंने भी 5G की टेक्नोलॉजी के लिए हुआवे को अनुमति दे दी थी, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री अभी जब 10 दिन पहले जब वो बीमार नहीं थे, उन्होंने कहा था कि हम कैंसिल कर सकते हैं 5G की जो लिए जो बैन के लिए जो अनुमति दी गई थी हुआवे को उससे। लेकिन अब ये लगभग कन्फर्म हो गया है, जब से बोरिस जॉनसन की हालत गंभीर थी उसके बाद से उनका जो कार्यभार संभाल रहे हैं, वहाँ के विदेश मंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं अभी वहाँ पर, और जो बोरिस जॉनसन है प्रधानमंत्री, वो ICU में है। हालांकि उनकी स्थिति अभी स्टेबल बताई जा रही है। तो वहाँ के जो विदेश मंत्री जिन्होंने कार्यभार संभाला हुआ है, उनका कहना है कि हम लगभग कैंसिल करने के मोड पर खड़े हो चुके हैं, यानी कि लगभग, और जो वहाँ के सूत्र हैं, जो खासकर जो मीडिया है उसमें ये बात लगभग आ चुकी है, लीक हो चुकी है कि 5G की टेक्नोलॉजी के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे हुआवे को। इसके अलावा फ्रांस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है। फ्रांस ने खुलम तौर पर कहा है कि वो अब अपनी जो मतलब कि जो व्यापारिक समझौते हैं, वो चीन के बजाय वो भारत को ज़्यादा अहमियत देगा। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन में भी अब एकता नहीं रही है। उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि यूरोपियन यूनियन क्या टूट सकता है। कल आपको शायद उस पर वीडियो मिल जाएगी कि हम अब यूरोपियन यूनियन से भी ज़्यादा अहमियत अब भारत को देंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट है और भारत हमारा ना सिर्फ रक्षा के मामले में एक बड़ा साझेदार है, बल्कि व्यापारिक तौर पर भी हम चाहते हैं कि हम भारत के साथ ज़्यादा व्यापार करें, जिससे कि भारत और फ्रांस की जो रिश्ते हैं वो नए मुकाम पर पहुँच जाए। इसके अलावा दुनिया भर से भी लगभग हर एक देश का यही रुख है कि भारत को अब एक चीन के बड़े विकल्प के तौर पर देखना होगा। क्योंकि देखिए, अगर चीन को हटाना है ना उस मैन्युफैक्चरिंग जायंट से, क्योंकि दुनिया को चीन की उस चीज़ का अहमियत एक तरीके से एहसास हो चुका है कोरोना वायरस के समय कि पूरी दुनिया चीन पर किस हद तक डिपेंडेंट है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ चीन से बनकर आ रही, तो इसलिए अब दुनिया चीन को वहाँ से हटाना चाहती है, क्योंकि चीन लगभग हर बार पिछले 20 सालों में 3 बार उसने दुनिया में ऐसा आतंक मचाया है वायरस का, चाहे वो SARS हो चाहे वो MERS हो, और अब उन्होंने एक बार फिर से फैला दिया है कोरोना। तो दुनिया चाहती है कि चीन से शिफ्ट हो, लेकिन शिफ्ट करेंगे कहाँ? तो इसके लिए एक विकल्प की ज़रूरत है। तो दुनिया ने अब वो विकल्प ढूंढ लिया है, अब वो शायद भारत ही एक वो विकल्प बनकर सामने आ रहा है। और इसको लेकर एक बड़ा ये भी है कि पूरी दुनिया में भारत की इस चीज़ को लेकर तारीफ हो रही है कि भारत ने जो एक्सपोर्ट का बैन था मेडिसिन को लेकर, जो मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर, उसे भी हटा दिया है। और जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड है कोरोना से, उन्हें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देनी शुरू कर दिया, जिन्हों इसकी ज़रूरत थी, जैसे कि ब्राज़ील है, बहुत सारी कंट्री हैं जो चाहती हैं कि भारत उन्हें ये चीज़ एक्सपोर्ट करे, और भारत ने ये करना लगभग तय कर लिया है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर लगता है कि भारत एक बेहतर विकल्प बनेगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने एक तरीके से वो वहाँ से जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ से निकले हैं, यूरोपियन यूनियन से उन्होंने ब्रेग्जिट किया है, तो वो अभी भारत के साथ एक बड़े व्यापारिक समझौते की तरफ देख रहे हैं। अगर ये कोरोना वायरस ना फैला होता तो शायद अब तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें दोनों देशों का फ़ायदा होता है, यूके का भी और भारत का भी, दोनों की एक अच्छी शर्तें होती, तो उसमें भी वो अब तक हो चुका होता, उसमें अहमियत देता यूके भारत को, और भारत को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी, क्योंकि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भारत से ज़्यादा ज़रूरत थी यूके को, तो यूके से भारत बहुत सारी चीज़ें ले सकता था, चाहे वो डिप्लोमेटिक चीज़ें हो, जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट कुछ हद तक जो वहाँ के जो कुछ हल्के हैं वहाँ से जो पाकिस्तान को मिलता है भारत उसे भी कम करवा सकता था, यानी बहुत चीज़ें हो सकती थी। भारत की एक बड़ी मार्केट है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ये कोरोना वायरस आ गया। लेकिन इसके बाद स्थिति भारत के लिए और ज़्यादा फर्टाइल, और ज़्यादा उपजाऊ भारत के लिए ज़मीन तैयार पूरी दुनिया में हो रही है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हम बहुत ही क्लोज है 3.5 लाख के, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।